वेलकम बैक टू ई लर्नम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में। गेट लाइफ साइंसेज के केमिस्ट्री सेक्शन को, जो कि लोगों को काफी टफ लगता है, उसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के लिए मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ूंगा। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ एक रेगुलर क्रैश कोर्स के साथ एक ब्रिज कोर्स उन लर्नर्स के लिए जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल टफ लगता है या फिर आता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ढेर सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में। ठीक है, तो मोर ऑन दिस लेटर, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं RS नॉमिनक्लेचर के बारे में, यानी किस तरीके से हम किसी भी कार्बन पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करते हैं, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? Absolute configuration is the actual 3D arrangement of groups in a molecule containing chiral carbon. ठीक है, जैसे हमें पता है कि chiral carbon क्या होता है, asymmetric carbon। जब चार अलग अलग groups लगे हुए हों tetrahedral carbon atom पे, तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं chiral carbon। Right? अलग अलग चार groups होने चाहिए। अच्छा, इसको represent करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है wedge dash formula और दूसरा हो सकता है Fischer projection। ठीक है, तो हम पहले वेज डैश फॉर्मूला देख लेते हैं। वेज डैश फॉर्मूला में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका वेज, राइट? ये आपका वेज है और दूसरा जो है डैश नाम से ही पता चल रहा है। आप याद कैसे रखोगे? वेज हमेशा याद रखिएगा कि एक इंसान ऐसे खड़ा है ऊपर, है ना, इस तरीके से ये इंसान खड़ा है। अब इंसान की परछाई जो है वो अंदर की तरफ होगी, है ना। मान लीजिए एक भीगा रोड है, उसके ऊपर एक इंसान खड़ा है, तो उसकी जो परछाई होगी वो नीचे की तरफ और इंसान ऊपर की तरफ। एग्जैक्ट यही लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या? वेज इज ऑलवेज अबव द प्लेन एंड डैश इज ऑलवेज बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे। ये अगर प्लेन है तो दो लाइन तो आपको दिख रहा है वहां पे, ठीक है, प्लेन में ही है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। दिस इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। चलिए अब फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन सिंपली इस तरीके से आपको डंडा बनाना है दो और इस तरीके से लिख देना है ए बी सी डी, हो गया। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। ओके, चलिए ये तो हमने देख लिया किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए इसके बाद हम सीखते हैं कि किस तरीके से इसका नंबरिंग करेंगे। तो यहां पे हम बात करते हैं प्रायोरिटी की, ठीक है, कि भाई अगर हमें R या S कुछ भी असाइन करना है किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो कुछ प्रायोरिटी होना चाहिए ग्रुप्स का, है ना, कोई ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोई कम होगा, तो इसका प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करते हैं। तो यहीं पे तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये सेट ऑफ रूल्स दिया था, जिसे हम CIP रूल्स कहते हैं। CIP स्टैंड्स फॉर कान इन गोल्ड एंड प्रीलॉग, ठीक है, ये इनके नाम पे रखा गया है, कान इन गोल्ड प्रीलॉग या फिर शॉर्ट में CIP रूल्स। CIP रूल्स में जो पहला रूल है वो क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जो प्रायोरिटी है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑल विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू काइरल सेंटर। मतलब अगर आपका काइरल सेंटर ये वाला है, उससे जो भी एटम डायरेक्टली अटैच होगा, है ना, यानी जो चार ग्रुप्स अटैच होंगे उन ग्रुप्स में भी जो हो सकता है कि CH3 हो, CH3 में क्या है, कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, तो आप हाइड्रोजन को नहीं कार्बन को देखोगे, सबसे पहले जो अटैच्ड है ना काइरल कार्बन से उसे देखोगे और उसके एटॉमिक नंबर को देखोगे। एटॉमिक नंबर आप देखो, स्टडी करो और उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग नंबर को असाइन करोगे। समझ में आया? चलिए हम करके देखते हैं एग्जांपल। यहां पे आपके पास आयोडीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। तो आयोडीन का सबसे ज्यादा, यानी आयोडीन को आप दे दिए प्रायोरिटी वन, ठीक है, आपने प्रायोरिटी वन दिया आयोडीन को। नेक्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को, नेक्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को, उसके बाद फ्लोरीन को। समझ में आया? इंक्रीजिंग मतलब बेसिकली जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको आप पहला प्रायोरिटी दोगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देते जाओगे, राइट? इसी तरीके से यहां पे अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगला क्वेश्चन में क्या हो गया, यहां हम फंस गए। देखिए ब्रोमीन तो हो गया यहां पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, नंबर वन। इसके बाद क्या है, आपके पास कार्बन है पहला अटैच, यहां पे ऑक्सीजन है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को आप सेकंड दोगे, राइट? ऑक्सीजन को आपने सेकंड दिया। इसके बाद दूसरे में आपको चॉइस करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, अब किसको सीनियोरिटी दे। यहां पे आएगा रूल टू। रूल टू में आपको क्या करना होता है, जब पहले एटम पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हो तो अगले एटम पे चले जाओ, अगले एटम पे चले जाओ, फिर फेल हुए तो अगले एटम पे चले जाओ, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ जब तक आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, राइट? तो चलिए ये तो हो गया। अच्छा, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमें पता है कि CH3 है, मतलब कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, और एक जगह CH2 और एक जगह OH है, मतलब कार्बन से अटैच कौन है, ऑक्सीजन। तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा, CH2OH को, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज योर फोर्थ प्रायोरिटी। आई होप प्रायोरिटी डिसाइड करना अब आप सीख चुके होंगे।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रूल थ्री की। रूल थ्री में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड को ना रीइमेजिन करना पड़ता है। कैसे? देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहां पे इस तरीके से मौजूद है, राइट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको आप कैसे इमेजिन करोगे कि ये जो कार्बन है बेसिकली ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरा कार्बन जो है ये भी एक कार्बन से जुड़ा है। समझ में आ रहा है कि अगर दो अगर कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों का अगर डबल बॉन्ड है तो आप क्या सोच सकते हो, एक कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, एक और कार्बन से जुड़ा है। समझ में आया? इस तरीके से बॉन्ड्स को रिविजुअलाइज किया जाता है और इस तरीके से आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। मान लीजिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ रहा तो क्या होगा, आप क्या कहोगे, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन भी कार्बन से जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है। ये एक विजुअलाइजेशन का तरीका है, ऐसा बस हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, तो उस लिए आपको जो भी बॉन्ड्स है अगर मल्टीपल बॉन्ड्स रहे तो इस तरीके से उसको रीविजुअलाइज करना पड़ेगा। सिमिलर तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड सी में क्या होगा, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन भी तीन कार्बन से जुड़ा है, इस तरीके से आप समझ जाना। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन जो है वो तीन नाइट्रोजन से जुड़ा है और एक नाइट्रोजन तीन कार्बन से जुड़ा है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, राइट। रूल फोर क्या है, अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट हुए तो आइसोटोप्स क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, उस केस में आप एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कंसिडर करो प्रायोरिटी के। आई होप अब आपको सीआईपी रूल समझ में आ गए होंगे, प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे, असाइनिंग आरएस नॉमेनक्लेचर वेज डैश फॉर्मूला के लिए। वेज डैश फॉर्मूला के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहां पे कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब ए का एटॉमिक नंबर ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है, जनरल एग्जांपल हम देख रहे हैं। अब क्या कहेंगे हम यहां पे, सबसे पहला काम, हर ग्रुप जो कि स्टीरियो सेंटर यहां पे आपका काइरल कार्बन से अटैच्ड है उसको आप सीआईपी रूल के हिसाब से प्रायोरिटी दे दो। तो प्रायोरिटी हमने दे दिया, मान लीजिए एक रैंडम प्रायोरिटी दे दिया। प्रायोरिटी देने के बाद आप इस तरीके से लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को लिखिए। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं हमेशा, ये पूरा एक टेक्निक आप ध्यान में रखिएगा, लीस्ट प्रायोरिटी जिसका होगा, सबसे लास्ट प्रायोरिटी जिसका होगा, जिसका प्रायोरिटी फोर्थ आएगा, है ना, वो आपके पीछे होना चाहिए, सबसे पीछे होना चाहिए। डैश मतलब आपको पता है, डैश ऑलवेज गोज बिहाइंड द प्लेन, मतलब पीछे जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप डिसाइड कर लो कि अच्छा यहां जो मेरा सी वाला ग्रुप है सबसे लीस्ट प्रायोरिटी क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी डी का है, लेकिन यहां पे कौन पीछे है, सी। ये तो सही अरेंजमेंट नहीं है। सही अरेंजमेंट हमेशा होता है जब लीस्ट प्रायोरिटी मतलब जिसको आप चाहते नहीं हो वो पीछे जाए, जिसको आप नहीं चाहते हो वो पीछे जाए। हमेशा याद रखिएगा, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड ऑलवेज बी एट द बैक, इफ नॉट तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सिखाता हूं। प्रायोरिटी देने के बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करते हैं जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे जुड़े हुए हैं कार्बन से। अच्छा यहां पे प्रायोरिटी दीजिए जल्दी से, क्या होगा, आयोडीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट ब्रोमीन, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट फ्लोरीन। अच्छा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन है, फोर्थ, है ना, क्या वो बिहाइंड है, क्या वो डैश पे है, हाँ वो डैश पे है, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से आगे बढ़िए। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे ये भी देखा जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम एक दो तीन करके जो प्रायोरिटी दिए हैं फिर से हम लिख लेते हैं, एक दो, ठीक है, यहां पे हो गया तीन और ये चार। क्या आपका चौथा प्रायोरिटी यानी जो लास्ट प्रायोरिटी है क्या वो पीछे की तरफ जा रहा है, हाँ पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कोई गड़बड़ नहीं है। वन से लेके टू से लेके थ्री मूव कीजिए, वन से लेके टू से लेके थ्री ऐसे करके एरो बनाइए, वन से टू फिर थ्री बना। अच्छा यहां हम कैसे मूव किए, क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से, तो क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट इसे हम सीधा कहेंगे, देखिए ऐसे करके आर लिखते हैं क्या, ऐसे करके आर लिखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे करके आर लिख देते हैं, दिस इज आर कॉन्फिगरेशन। सीधा सीधी आप बोल दोगे हाँ, प्रोवाइडेड जो फोर्थ यानी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो पीछे जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप कह दोगे आर कॉन्फिगरेशन, वेरी सिंपल। अच्छा अगला वाला देखते हैं, यहां पर क्या है, फिर से ये वन है प्रायोरिटी, इसका टू है, इसका थ्री है, इसका फोर है, इस तरीके से आपने प्रायोरिटी असाइन कर दिया जल्दी से। अच्छा आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अच्छा अब आपको वापस कैसे मूव करना है, वन से लेके टू से लेके थ्री, तो वन से लेके टू से लेके थ्री आप ऐसे मूव कर रहे हैं, आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पीछे है क्या, हाँ है, यानी कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए इस तरीके से आपका मूवमेंट हो गया, इसको आप क्या कहोगे, देखिए यहां आप मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में इस तरीके से घूम के क्या आता है, एस आता है, राइट, इस तरीके से आता है एस। तो आपको पता चल गया आर किसको कहोगे और एस किसको कहोगे, एग्जैक्टली ये जो है यहां पे कॉन्फिगरेशन इज एस, ठीक है। तो आर को रिक्टर कहते हैं, एस को सिनिस्टर कहते हैं, ये तो बस फुल फॉर्म्स है, अभी बस आप असाइन करना तो सीख गए। एक और क्वेश्चन पे लागू करते हैं इसी चीज को, चलिए जल्दी से देखते हैं। और हाँ एक और बात, अगर इस तरीके से चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं
कार्बन काइरल है और आपको दिख रहा है आर है और यहां पे एस है, ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं एंड नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है, यानी दे आर एनेंशियोमर्स। आर एस अगर रहे, आर एस रिलेशन अगर रहे तो क्या हो जाएगा? दीज आर एनेंशियोमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे आपको फटाफट प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में ऑक्सीजन सबसे पहले क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर वन। फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे? कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऑब्वियसली, COOH को मिल गया सेकंड प्रायोरिटी। फिर आया CH3 और फिर आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या पीछे है? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। क्या डैश पे है? हाँ है, यानी कोई गड़बड़ नहीं है। वन से लेके टू से लेके थ्री मूव कीजिए, दिस इज योर क्लॉकवाइज मूवमेंट। और आपको पता है कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है कोई चेंज आपको करना नहीं है, सिंपली कह दो आर। राइट, फिर से यहां पर भी प्रायोरिटी दीजिए, वन यहां, टू यहां, थ्री यहां, फोर, आपने प्रायोरिटी दे दिया। अब मूव कीजिए वन से लेके टू से लेके थ्री, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप क्या कहोगे? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मींस इट इज एस। एंड ऑल्सो यहां पे क्योंकि आर एस का रिलेशन आया, देयरफॉर दीज आर एनेंशियोमर्स अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप आर एस नॉमेनक्लेचर असाइन करना सीख चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने वेज डैश के लिए सीख लिया। अब हम फिशर प्रोजेक्शन अगर आपको दिया रहे तो हम सीखेंगे, सिंपल वही चीज। स्टेप वन, प्रायोरिटी असाइन कीजिए। सेकंड स्टेप, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक बाइक या स्कूटी है, उसका हैंडल इस तरीके से मुड़ा हुआ है, आपके तरफ आ रहा है, और जो वर्टिकल लाइन है वो दूर जा रहा है, ऐसे ही होता है। इसका अगर आप मीनिंग समझोगे तो ये जो वर्टिकल लाइन पे होता है वो पीछे की तरफ जा रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ये आपके तरफ आ रहा है, इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना कि वो हमेशा डैश पे आना चाहिए। तो डैश पे कौन सा होगा? वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन पे है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप समझोगे। चलिए वापस यहां पे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया, ए का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है, तो हम नंबरिंग करते हैं फिर से। ओके, ए बन गया वन, बी बन गया दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। क्या आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है? हाँ है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। आप वन से लेके टू से लेके थ्री मूव करोगे, दिस इज योर क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ देन दिस विल बी अगेन आर। सिंपल है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी आर होता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस होता है, तो आप सीख चुके हो। ठीक है, प्रोवाइडेड आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यहां पे भी नंबरिंग कर दोगे, वन टू थ्री फोर। अच्छा, आपने कर दिया वन टू थ्री फोर। यहां पे आप देखिए, क्या आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है? नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यानी आपके तरफ आ रहा है। अरे, लीस्ट प्रायोरिटी हम उसे देखना ही नहीं चाहते, वो पीछे होना चाहिए, वो तो यहां पे आपके तरफ फेस कर रहा है, यानी आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे वो गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल लाइन पे अगर नहीं है तो जो भी आप निकाल रहे हो जस्ट उसका उल्टा होगा एक्चुअल आंसर। यानी अभी अगर आप यहां पे निकाल लोगे वन से लेके टू से लेके थ्री, ये डायरेक्शन आप सीधा बोलोगे अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज है और इसका आंसर हो जाएगा एस, लेकिन नहीं, आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दिस इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द वर्टिकल लाइन ना, इसीलिए आप इसको काट दोगे और लिखोगे देखो इसका उल्टा वाला सही होगा, यानी ये भी आर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जल्दी से। यहां पे आपको प्रायोरिटी फिर से असाइन करना है, ब्रोमीन अगेन सबसे ज्यादा वन, फिर आ गया आपका क्लोरीन, फिर आया CH2OH और CH3। आपको पता चल रहा है कि CH2OH यानी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है और यहां कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा ऑक्सीजन वाले को, एंड दिस इज योर फोर्थ प्रायोरिटी। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या वर्टिकल लाइन पे है? हाँ है, यानी आंसर नॉर्मल होगा। चलिए वन से लेके टू से लेके थ्री आप मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो दिस इज योर एस। हो गया, आपने जल्दी से असाइन कर दिया कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, इसके बाद हम फिर से देखते हैं यहां पे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ये कौन सा, चलिए यहां पे आपको OH जो है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहला प्रायोरिटी, उसके बाद है कार्बन COOH, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस इज योर लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन। फंस गए, क्या आया? फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, यानी जो लीस्ट प्रायोरिटी है हाइड्रोजन है वो आपके तरफ आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो भी नॉर्मली आंसर आएगा उसको आप चेंज करोगे। चलिए क्या होगा, वन से लेके टू से लेके थ्री, कितना मस्त, आप तो सीधा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, आप कहते कि अरे आंसर तो एस होगा, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी को
आपके तरफ आ रहा है, बिहाइंड नहीं जा रहा है। काटिए इसको और लिखिए चेंज करके इट शुड बी आर। यही तरीका आप फॉलो करते रहिए, कोई भी गलती नहीं होगी। ऐसा हो सकता है आपको मल्टीपल कार्बन एटम्स दे दे, ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल दे दे, उसका फिशर प्रोजेक्शन दे दे, अब आपसे पूछा जाए कि हर एक पॉइंट पे आप उसको असाइन कीजिए, है ना। तो दिक्कत आती है हमें, हमें क्या करना है, आपके पास कितने भी कार्बन रहे आप सबको एक एक ग्रुप मान लीजिएगा, अगर 6-7 कार्बन भी रहे तो भी उसको आप एक सिंगल ग्रुप मान लीजिएगा, एक कार्बन पे एट अ टाइम आपको स्टडी करना है और प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी देकर आप असाइन कर दोगे, उसके बाद देखोगे कि लीस्ट प्रायोरिटी नीचे आ रहा है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे या डैश पे नहीं है, अगर वो आपके तरफ आ रहा है, तो फिर जो भी आपका नॉर्मल आंसर आएगा उसको आप चेंज कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे OH है, Cl है। सबसे पहले आपका प्रायोरिटी देना पड़ेगा Cl को, ठीक है। 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, CHO है और CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बन जो है इस तरीके से एल्डिहाइड में ऐसे रहता है, इस तरीके से एल्डिहाइड का फॉर्मूला रहता है, और यहीं अगर आप अल्कोहल को बनाओगे तो CH2 और फिर OH होगा, यानी यहाँ कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन भी कार्बन से जुड़ा है, मल्टीपल बॉन्ड्स वाला है ना, तो सीधा प्रायोरिटी इसको पहले मिलेगा और इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे। एंड क्योंकि आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे है तो आप नॉर्मली चलोगे 1 से लेके 2 से लेके 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज अगेन एंड देयरफॉर वी आई होप किसी भी कंपाउंड को अगर आपको दे दिया जाए अभी निकालने के लिए, कहीं पे भी किसी भी कार्बन पे आपको कहा जाए कि चलिए यहाँ पे मुझे RS नॉमेनक्लेचर करके दिखाओ, आई होप आप कभी गलती नहीं करोगे, राइट। तो इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देके आपको छोड़ना चाहूंगा, कमेंट्स सेक्शन में फिर से आप बताएं इसका आंसर, ठीक है। एंड देख के डरना नहीं है, आप 2 कार्बन से तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 कार्बन दे दे, कुछ भी दे दे, आपको जब कभी भी कंसिडर करना है आप इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को एक ग्रुप मान लो, इस वाले पार्ट को एक ग्रुप मान लोगे और प्रायोरिटी असाइन कर लो, फिर आपने इसको कर दिया, फिर सेकंड कार्बन पे जाओगे, वन एट अ टाइम, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो पूरा जो है एक ग्रुप हो जाएगा चाहे कितने भी कार्बन का, राइट। ये मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरीके से करना है, बाकी आपको यहां पे नाम दे दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल आपको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया गया है और फिर आपको RS कह दिया गया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये एक PYQ, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, कमेंट सेक्शन में मैं आपको वेट करूंगा इस आंसर का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।